नागपुर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन हद से उजागर हुआ है। शहर में झारखंड के साहिबगंज से आए मोबाइल चोरों के गिरोह को हुडकेश्वर पुलिस ने फिल्म स्टार से धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख रमजान बताया जा रहा है। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 6 मोबाइल सहित 91,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी से सख्त पूछताछ करने पर आरोपी ने उसके साथ और भी साथीदार होने की जानकारी बताई है। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि झारखंड और ओडिशा राज्य के युवक चोरी करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाया करते हैं। आरोपी रेलवे स्टेशन, लॉज या अन्य भीड़ वाली जगह से मोबाइल चोरी को अंजाम देते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गजानन नगर मानेवाड़ा निवासी योगेश पिंपलकर का फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। वह आर्थिक विषय सलाह देते हैं। 6 दिसंबर को सुबह वह फुले मार्केट में गए थे। इस दौरान अज्ञात आरोपी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। इसकी शिकायत उन्होंने हुडकेश्वर पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान मालगी नगर चौक में लोगों की भीड़ में आरोपी शेख रमजान संदिग्ध स्थिति में नजर आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच हुडकेश्वर पुलिस कर रही है। कल पुलिस थाने हुडकेश्वर में एक तकरार दाखिल हो गई कि मालगी नगर चौक में जो मार्केट लगता है सुबह का, वहाँ पे उसके पैंट के जेब में से एक मोबाइल चोरी हो गया था। ऐसी एक कंप्लेंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए थे। वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद में हमारे डीबी पर तक वही एरिया में वॉच करते रहा था, जो कल जो मार्केट था, जो बाजार था वीकली, और उस मार्केट में कोई ऐसे चोरी करने वाले आते हैं क्या, इसके नज़रअंदाज करते हैं क्या, तो उसके हमने निगरानी की थी। कल एक पांठेले के पास में एक डाउटफुली हमको एक लड़का मिला। वो लड़के को हमने चेक किया तो उसके पास में 6 मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन मिले। उस 6 मोबाइल स्मार्टफोन में से एक मोबाइल, ये जो हमारा सुबह जो चोरी गया था वो मोबाइल भी उसके पास में मिल गया था। जब वो आरोपी को लाया और उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया था कि मैंने जो फुल मार्केट है बर्डी का, वहाँ से उसने 4 मोबाइल फ़ोन, जो उसमें 2 आईफोन है और 2 एक रेडमी का है और एक सैमसंग का है, ऐसे वापस से 4 मोबाइल उन्होंने सुबह चुराए लिए थे। ये आरोपी झारखंड का साहिबगंज जिले का रहने वाला है और ये इन्होंने 2 लड़के साथ में आए थे, लेकिन ये एक जो लड़का था वो वहाँ से भाग गया था। ये अकेले ने वो चोरी किया था उसके पास से मोबाइल, और उसको हमने पकड़ लिया है। इसके आगे में और कौन कौन आरोपी है क्या, और कई जगह पे इनके ऊपर में क्राइम रजिस्टर है क्या, इसके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर 91,000 का हमने माल रिकवर किया है, 91,000 का माल रिकवर किया है। ये जो रहने वाला है साहिबगंज है, कल जब हम उनको इंट्रोगेट किए गए थे तो उसमें उसने बताया कि मैं कल सुबह से ही ट्रेन से यहाँ पे उतरा हूँ नागपुर में, और मार्केट घूमते जहाँ पर जो गर्दी रहती है वहाँ पे उतर के मैं, मेरे साथ में एक लड़का और मिला था मुझे ट्रेन में, वो बोलता है कि उसका नाम मुझे पता नहीं, हम दोनों भी आए थे लेकिन वो गर्दी में कहाँ गया मुझे पता नहीं, ऐसा वो बोलता है। यानी अपने को इन्वेस्टिगेशन में वो अपने को जो चाहिए वैसे वो जानकारी नहीं देते, ये हैबिचुअल अफेंडर लग रहे हैं। ये झारखंड के रहने वाला है। आरोपी का नाम है शेख रमजान शेख रब्बुल करके है। इसकी उम्र है 27 साल के, और ये साहिबगंज जिला झारखंड का रहने वाला आरोपी है। हमारे यहाँ के ASI नंदू ताड़े, ASI शैलेश ठौरे और उनके जो टीम थे वो पतक ने ये अच्छी कामगिरी की गई, तो और जो ऑफेंस रजिस्टर होने के केवल 10 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ा गया था, और उसके पास में से और 5 मोबाइल भी हमको रिकवर हो गए थे। कुल मिलाकर 6 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।